बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी की फतह ने सबको चौंका दिया है, लेकिन इस सफलता में राजस्थान के धुरंधरों का हुनर भी साफ देखने को मिला है। फिर चाहे प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया की बात करें या फिर मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के नेताओं की बात की जाए, पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा में जीत, राजस्थान भाजपा की पास हुई रणनीति। पहलवानों की धरती पर कांग्रेस के पहलवान ने जरूर बाजी मारी, लेकिन इस रण में भाजपा ने जो जीत की हैट्रिक लगाई उसने सबको चौंका दिया है। राजनीतिक पंडित और सियासत के दिग्गज अब इसके पीछे की समीकरण को तलाशने में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ हर की फ्लॉप हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस अब मंथन में जुट गई है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखा जाए, हरियाणा की इस जीत की हैट्रिक में राजस्थान के दिग्गजों की ट्रिक भी काफी काम आई है, जो कि लगातार हरियाणा में डटकर चुनावी माहौल को नजदीक से देख रहे थे। हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा की ताकत को नहीं पहचाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान की हरियाणा गई टीम की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुझे लगता है कि एक बीजेपी की ताकत को हरियाणा में विश्लेषकों ने अंडर एस्टिमेट किया था। हरियाणा में बीजेपी की वापसी के पर्याप्त कारण थे, उसमें संगठन, प्रबंधन, प्रचार, उम्मीदवारों का चयन, पार्टी की जो नीतियां थी, वो ये सारे फैक्टर थे जो इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं, और यकीनन हम लोगों ने वापसी की। सकारात्मक और सार्थक कारण होता है, और उस मुझे लगता है कि नायब सैनी की ऊर्जा, मनोहर लाल जी का अनुभव समन्वित रूप से पार्टी के लिए ताकत का काम कर रहे थे, और उसका लाभ हमें मिला। जिन सीटों पर गया उन पर हम सभी पर जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पर अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहां जीते हैं। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा में प्रभारी सतीश पूनिया ने जब चुनाव की कमान संभाली तो हर तरफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का माहौल नजर आया। लेकिन उसके बाद पूनिया ने माइक्रो मैनेजमेंट किया और हर मोर्चे पर टीम को तैनात करते हुए जंग में दो दो हाथ करने की योजना तैयार की। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हरियाणा में प्रचार के लिए समय निकाला। मुख्यमंत्री ने जिन 6 विधानसभा में प्रचार किया उनमें से 5 पर भाजपा की जीत हुई, तो वहीं एक सीट बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस के खाते में गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हर जिले पर राजस्थान भाजपा की टीम को लगाया गया था, जहां पर नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास किया, हम लोगों को जिम्मेवारियां दी, पर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं की जो फितरत रहती है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ घुल मिल कर काम करते हैं। हम सब लोगों ने घुल मिल कर उनके साथ काम किया, महीनों महीनों काम किया, इसी का परिणाम निकला कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है और सारे जो दावे थे वो खोखले साबित हुए। हरियाणा में दमखम दिखा चुकी राजस्थान की टीम बेहद उत्साहित नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में राजस्थान के इस नेतृत्व की सराहना देखी जा रही है। साथ ही अब ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस टीम के रणनीतिकारों को रिटर्न गिफ्ट संगठन में बड़ा पद देकर कर सकता है, जिसका इंतजार राजस्थान के हर कार्यकर्ता को है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।